Hello, students. I am Vandana Sanghani working as a teacher in Aspire Public School. I hope you all are safe and healthy. Dear students, take care of yourself and each other and maintain social distance because of this COVID 19. So, my dear students, today I want to tell you one story. Elephant

ट्री के ऊपर किसको देखा मंकी को देखा विल यू बी माई फ्रेंड आस्क एलिफेंट एलिफेंट ने मंकी को क्या पूछा क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे रिप्लाइड मंकी यू आर टू बिग मंकी ने एलिफेंट को रिप्लाई किया बताया कि आप तो बहुत बड़े हो यू कैन नॉट स्विंग फ्रॉम ट्रीज लाइक मी आप मेरी तरह ट्री के ऊपर छलांग नहीं लगा सकते नेक्स्ट द एलिफेंट मैट अ रैबिट फिर एलिफंट किसको मिले रैबिट को मिले ही आस्क हिम टू बी हिज फ्रेंड्स फिर एलिफंट ने रैबिट को भी पूछा क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे बट द रैबिट सेड यू आर टू बिग टू प्ले इन माई बोरो फिर रेबिट ने भी क्या बोला कि आप तो बहुत बड़े हो क्या आप मेरे बोरो यानी मेरा घर बिल क्या आप मेरे घर पर मेरे साथ खेल पाओगे देन द एलिफंट मैट ऑफ फिर एलिफंट इसको मिले फ्रॉग को मिले विल यू बी माई फ्रेंड ही आस्क फिर ऑलिफंट ने फ्रॉग से पूछा क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगी हाउ कैन आई आस्क द फ्रॉग फ्रॉग ने पूछ बोला मैं कैसे आपका फ्रेंड बनू? यू आर टू बिग टू लिप अबाउट लाइक मी आप तो बहुत बड़े हो आप मेरी तरह कूद नहीं सकते आप मेरी तरह छलांग नहीं लगा सकते जंप नहीं कर सकते द एलिफेंट वॉज अपसेट तो एलिफंटो अपसेट हो गए नाराज हो गए दुखी हो गए ही मैट अ फॉक्स नेक्स्ट फिर एलिफेंट किसको मिले फॉक्स से मिले विल यू बी माई फ्रेंड ही आस्क द फॉक्स फिर एलिफेंट ने फॉक्स से पूछा क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे द फॉक्स सेड सॉरी सर यू आर टू बिग तो फॉक्स ने तो एलिफेंट को क्या बोला श्रीमान यानी सर सॉरी मुझे माफ़ करना आप तो बहुत बड़े हो द नेक्स्ट डे द एलिफेंट सो ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रनिंग फॉर देयर लिव्स फिर दूसरे दिन एलिफंट ने जंगल में क्या देखा सारे एनिमल्स है वो खुद के जीव जीवन के लिए यानी खुद को बचाने लिए। बचाने के लिए फॉरेस्ट में इधर उधर दौड़ने लगे द एलिफेंट आस्क देम व्हाट द मैटर वाज तो एलिफेंट ने वो एनिमल्स को पूछा कि क्या बात है क्या प्रॉब्लम हो गया है आप लोग इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो द बियर रिप्लाइड फिर बियर यानी भालू भालू ने आंसर दिया उसको बोला देर इज अ टायर इन द फॉरेस्ट ही इज ट्राइंग टू ग्लोब अप ऑल अप ग्लोब अस ऑल अप तो भालू ने क्या कहा कि जंगल में एक टाइगर आया है वो हम सबको खा जाएगा वो हम सबको खाने की ट्राई कर रहा है द एनिमल्स ऑल रन अवे टू हाइड फिर सारे एनिमल्स को छिपने के लिए यानी खुद को छिपाने के लिए भाग रहे थे दौड़ रहे थे द एलिफेंट वंडर वॉट ही कूड डू टू सोल्व एवरी वन इन द फॉरेस्ट एलिफंट फिर एलिफंट इधर उधर दौड़ के सोचने लगा कि ये सारे एनिमल्स है उसको बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा आई सोल्व यानी मुझे ही ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ेगा मीन वाल टाइगर कैप्ट इटिंग अपर ही फाइंड कुड ये बुरे समय में टाइगर को जो नजर आता था जो दिखाई देता था उसको वो क्या करता था खा जाता था एलिफंट वॉक अप टू द टाइगर एंड प्लीज मिस्टर टाइगर डू नॉट इट दिस पुअर एनिमल्स फिर एलिफंट ने क्या किया एलिफंट टाइगर के सामने चल के गया और टाइगर को कहा क्या कहा प्लीज मिस्टर टाइगर डू नॉट इट अप दिस पुअर एनिमल्स मिस्टर टाइगर यानी श्रीमान टाइगर मेहरबानी करके आप ये पुअर एनिमल्स यानी ये सारे एनिमल्स है वो बहुत दुखी हो गए तो ये दुखी एनिमल है उसको आप मत खाओ माइंड योर ओन बिजनेस ग्राउंड ग्राउल्ड द टाइगर टाइगर ने तो घूर के बोला आप अपना काम करो एलिफंट हैज अस फिर एलिफेंट के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था बट टू गिव द टाइगर अ हैप्टी किट के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं तो एलिफंट ने क्या कर दिया एक जोर से कि मार दी यानी लात मार दी किस को टाइगर को द फ्राइटन टेट द फ्राइटन डेट टाइगर रन फॉर हीज लाइफ तो टाइगर तो डर गया और डर के मारे और खुद को बचाने के लिए भाग गया द एलिफंट एम बैक इन टू द फॉरेस्ट टू अनाउंस द गुड न्यूज टू एवरी वन फिर एलिफेंट को घोड़े की जेम और हॉर्स जैसे चल के आता है ना वैसे चल के कहाँ पे आया फॉरेस्ट में आया जंगल में आया और सारे एनिमल्स को एक अच्छी बात बताई कि उसने टाइगर के साथ क्या किया वो गुड न्यूज यानी गुड शुभ समाचार देने के लिए वो जंगल में आए ऑल द एनिमल्स ठैंक्ट द एलिफेंट वे सारे एनिमल्स ने एलिफेंट को क्या बोला थैंक यू बोला उसका आभार व्यक्त किया दे सेड यू आर जस्ट राइट साइज टू बी आर फ्रेंड्स फिर सारे एनिमल्स ने क्या बोला एलिफेंट को कि आप तो हमारे फ्रेंड बनने के लायक हो आप तो राइट साइज यानी कि हमारे लिए फ्रेंड बनने के लिए आपकी साइज है वो राइट है पहले सब एनिमल्स क्या बोल रहे थे आप तो बहुत बड़े हो पर अब सारे एनिमल्स को क्या लगा कि आप बड़े नहीं पर आप तो हमारे लिए फ्रेंड बनने के योग्य हो सो माय डियर स्टूडेंट्स स्टोरी कैसी लगी अच्छी लगी ना थैंक यू